मेरा नाम मोनिका है, मैं द्वारका में रहती हूँ। मेरे शादी को 5 साल हो चुके हैं। मुझे कंसीव नहीं हो रहा था तो मैं डॉक्टर चंचल मैम से मिली। 2 महीने के ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे कंसीव हो गया। नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं नन्हे मुन्ने अद्वित, और अद्वित आशा आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से का रिजल्ट है और इस दुनिया में आकर हम सबको बहुत ही खुशी दी है। आज अद्वित के साथ हैं उनकी मम्मी, और मोनिका हमारे पास लास्ट ईयर आई थी। इनकी शादी को 5 साल हो चुके थे एंड स्टिल कंसीव नहीं हो रहा था, तो शी चोज कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेगी। उससे पहले आप एलोपैथिक में गए थे? हाँ, एक गई थी, ठीक है, उसके नहीं हुआ तब मैं आशा में आई। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और इन्होंने आयुर्वेद में बहुत यकीन दिखाया और उसी चीज़ को हमने भी कोशिश की कि हम पूरा अच्छे से अच्छे निभा सकें। इनको 2 महीना पंचकर्मा ट्रीटमेंट दिया, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन किया। आयुर्वेद में जो अम्लपित्त बोला गया है, बंधत्व का एक बहुत बड़ा कारण होता है, उस पर हमने कंसंट्रेट किया। इनकी प्रकृति का एनालिसिस करते हुए, शरद ऋतु में इनका जन्म हुआ है और पित्त प्रकोप इनके शरीर में ऑलरेडी था, प्लस खान पान भी वैसा ही था, तो उन सबको बैलेंस करते हुए रक्तपित्त की चिकित्सा की गई और उसी का परिणाम है कि आज अद्वित हम सबके साथ इस दुनिया में है। और अगर आपको भी इनफर्टिलिटी का कोई इशू है तो आप आशा आयुर्वेदा में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम हर किसी की बेस्ट से बेस्ट मदद कर सकें। ठीक है।